please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं आर पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने कहा था 4 साल सिर्फ और सिर्फ काम होगा, सियासत आखिरी साल में जोरदार होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लिए अपना बड़ा मोर्चा खोल दिया है, लोगों से सीधी बात हो रही है, पीएम खुद जनता को सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समर्थन के लिए संपर्क के तहत लोगों के घर जा रहे हैं। उधर विपक्ष ईवीएम से लेकर कर्नाटक में मलाईदार विभागों की मारामारी में उलझा है और बीजेपी ने 2019 के लिए अपना मेगा प्लान पर काम शुरू कर दिया है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। एकजुट विपक्ष को देने मात, मैदान में उतरे मोदी शाह। ₹2014 से बड़ा मैंडेट बीजेपी लेकर आएगी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से बड़े मैंडेट के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। Will you be the prime minister? Well, that depends. That depends on how well the Congress party does. No, I'm talking of alliances. I mean, the Congress party, if it's the biggest party, yes, we will. Wish you all the best. Thank you. कहीं ईवीएम पर सवाल, कहीं मंत्री पद पर बवाल, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लिए अपने मेगा प्लान पर काम शुरू कर दिया है। मोर्चा खुद पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह संभाल रहे हैं। समर्थन के लिए संपर्क, इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसी के तहत अमित शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त भारतीय सेना के प्रमुख रहे जनरल दलवीर सुहाग से उनके घर जाकर मुलाकात की। साथ ही अमित शाह संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के घर भी पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी ने एक लोक संपर्क अभियान का शुरुआत किया है। देश के प्रमुख 1 लाख लोगों का संपर्क करेंगे। जीवन के हर क्षेत्र को इस सरकार ने ऊपर उठाने का प्रयास किया। बेसिक प्रॉब्लम्स हैं गरीबों की, किसानों की, वो बेसिकली हमने डिस्कस की। सेना बहुत बढ़िया काम कर रही है। एक तरफ अमित शाह हैं, तो दूसरी ओर पीएम मोदी भी मैदान में उतर चुके हैं। कल उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से सीधे संवाद के बाद आज पीएम मोदी ने मुद्रा योजना पर रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए योजना का फायदा उठाने वालों से सीधा संवाद किया। गैस का चूल्हा कब मिला? मोला 2016 में अगस्त महीना मिली से सर। भाषण से नहीं, जो कितनी अच्छी तकरीर करते, कितने अच्छे लफ्ज आप अपने भाषण में इस्तेमाल करते हैं, वो किसी का पेट नहीं भरता। अब जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए। महाराष्ट्र में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिला परिषद स्कूलों में भेजे जा रहे चाचा चौधरी और मोदी, इस नाम की किताब पर बवाल मच गया है। इस किताब में मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी और चाचा चौधरी का संवाद दिलचस्प ढंग से पेश किया गया है, लेकिन विपक्ष इसे सरकारी खर्च पर सरकार का प्रचार बता रहा है। इन सब के बीच ईवीएम पर संग्राम भी जारी है। आज अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सुना है उपचुनावों में ईवीएम खासतौर पर गुजरात से मंगाए गए थे। लगता है सूरत अब सिर्फ कपड़े बनाने का ही नहीं, सरकार बनाने का भी काम करने लगा है। तो विपक्ष के तमाम सवालों के बीच समूचे विपक्ष को चुनौती देने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह मैदान में उतर चुके हैं। उनके लिए उनका परिवार ही देश है, मेरे लिए मेरा देश ही मेरा परिवार है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। एकजुट विपक्ष को देने मात, मैदान में उतरे मोदी शाह। और आज विश्लेषण 2019 के लिए बीजेपी के मेगा प्लान का विश्लेषण सुनिए। कर्नाटक ईवीएम के पचड़े में उलझा विपक्ष, बीजेपी ने किया 2019 का शंखनाद। एक तरफ कर्नाटक में मलाईदार विभागों की लड़ाई है, दूसरी तरफ ईवीएम का पचड़ा भी है। नमो ऐप के जरिए 10 करोड़ लोगों तक पीएम मोदी अपनी सीधी बात पहुंचा रहे हैं। 1 लाख बड़ी हस्तियों को मिलेगा
सरकार का रिपोर्ट कार्ड 50 लोगों से खुद मिलेंगे बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह। एकजुट विपक्ष ने को खुली चुनौती दे रही है मोदी शाह की जोड़ी, कह रही है कि मैदान में आइए, लड़ाई लड़िए, फिर देखते हैं कौन कहां खड़ा होता है। विपक्ष का आरोप, चाचा चौधरी के जरिए चाचा नेहरू बनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, इसको मैं कार्यक्रम के अगले दौर में आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी मेहमानों की फेहरिस्त, कौन कौन मेरे साथ आज जुड़ रहा है। मेरे साथ आज तमाम दिग्गज लोग हैं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अपनी बात बहुत बेबाकी के साथ रखते हैं, अमित शाह की टीम के मेंबर हैं। मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राहुल गांधी की टीम के मेंबर हैं। मेरे साथ के सिन्हा साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप सोचेंगे रक्षा विशेषज्ञ का, मेजर जनरल रिटायर्ड का पॉलिटिकल डिबेट में क्या काम, मैं इसकी भी आप खुलासा करूंगा। मेरे साथ घनश्याम तिवारी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव की टीम के मेंबर हैं। मेरे साथ सैयद असीम वकार हैं, प्रवक्ता हैं AIMM के, और ये ओवैसी साहब की पार्टी के मेंबर हैं। आपका स्वागत है, आप तमाम लोगों का स्वागत है। तो संबित पात्रा, ये माने महाजनसंपर्क से आप महागठबंधन की काट ढूंढने में लग गए हैं, यानी जो बीजेपी को चुनौती मिली थी बीजेपी उसको अब स्वीकार करती है, इसके मायने क्या है? 40 सेकंड। देखिए, पहले तो कार्यक्रम के शुरुआत में ही मैं आपको जनसंपर्क की आप बात कर रहे हैं, संपर्क फॉर समर्थन, उसमें जो दस्तावेज हम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं वो दस्तावेज मैं आपके टेलीविजन के माध्यम से दिखा रहा हूं। ये पैम्पलेट्स हैं जो हमारे अचीवमेंट के हैं, और ये वो किताब है जो हमारे अचीवमेंट्स की किताब है, ये दोनों हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पी और एम दोनों की आवश्यकता होती है। पी का अर्थ होता है परफॉर्मेंस और एम का अर्थ होता है मेहनत। दोनों की जोड़ को देखिए, परफॉर्मेंस को लेकर हम जनता तक जा रहे हैं, क्या क्या हमने किया है, और मेहनत झलकती है। आपने कभी भी देखा था किसी पार्टी का अध्यक्ष खुद, देखिए हम सब छोटे कार्यकर्ता हैं, हमारे उतरने से पहले सड़क पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के अध्यक्ष स्वयं चिलचिलाती धूप में एक एक घर तक जा रहे हैं और ये पुस्तिका देकर हाथ जोड़कर समर्थन मांग रहे हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। ये मेहनत और जो परफॉर्मेंस नरेंद्र मोदी जी का है, ये जुड़कर 2019 में नरेंद्र मोदी को पुनः भारतीय जनता पार्टी के पीएम कैंडिडेट के रूप में आगे बढ़ाएगा और वो भारत के पीएम बनेंगे। जी, जी, दूसरी बात है, जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, जहां तक ऑपोजिशन के एकजुट होने का सवाल है, अमीश भाई आप तो, आप ही के टीवी के माध्यम से मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले, लट्ठम लट्ठा चल रहा है कर्नाटक में, तू तू मैं चल रही है कर्नाटक में, इकट्ठे हो रहे हैं, कोई ईवीएम का राग अलाप रहा है, कोई वहां पोर्टफोलियो मांग कर रहा है, प्रणबदा क्यों संघ के कार्यक्रम में चले जा रहे हैं, कांग्रेस के अंदर उसको लेकर लड़ाई हो रही है, आप बताइए ये इकट्ठे होंगे? ठीक है, आप तो उलझे हुए हैं इन तीनों प्रॉब्लम्स के अंदर अबे दुबे, और ये उतरे हुए हैं मैदान के अंदर, तो 2019 में मुकाबला कैसा? ये कह रहे हैं आप मेहनत कर रहे हैं और आप मलाईदार विभागों के लिए कर्नाटक में लड़ाई कर रहे हैं, एक तरफ ईवीएम है, दूसरी तरफ प्रणब मुखर्जी क्यों आरएसएस के कार्यक्रम में जा रहे हैं वो भी है, बताइए अभी दुबे। आत्म प्रशंसा के रोग से ग्रसित सरकार के पास उपलब्धियां नहीं है, इसलिए कागज लेकर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अरे जाइए जिन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया मुरली मनोहर जोशी जी के पास, वो कहते विद्यार्थी ने कुछ लिखा ही नहीं तो मैं अंक कैसे दे दूं। आज आप पूर्व थल सेना अध्यक्ष के पास गए, आप अगर जाते वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी जो है शरद साहब के पास, तो वो बताते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को कि मोदी सरकार ने सेना की ये स्थितियां कर दी कि 10 दिन तक आक्रमक युद्ध लड़ने के पैसे सेना के पास नहीं है। वो बताते हैं कि 45,000 करोड़ रुपए अकेले थल सेना के कम कर दिए। वो बताते हैं 30% की नेवी में कटौती कर दी। वो बताते हैं कि वायुसेना ने 11,426 करोड़ मांगे थे, 6,580 करोड़ मात्र मोदी सरकार ने दिए हैं। अरे आप जाइए स्वामीनाथन जी के पास, जिनके पास कहा था कि किसानों की लागत का 50% ऊपर दूंगा, स्वामीनाथन जी कहते हैं कि किसानों के साथ मोदी सरकार ने न्याय नहीं किया। अरे किसानों के पास जाइए, जिसके हक का 14,000 करोड़ रुपए फसल बीमा का कंपनियों को सौंप दिया मोदी जी। अरे आप जाइए उन बेरोजगार युवाओं के पास जिनको नौकरियों के कारण दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है, उस उज्ज्वला योजना का राग अलापते हैं, जानते हैं दो, अरे वो तो राग अलाप रहे हैं, जिन्होंने
राग अलाप रहे हैं वो अपने काम का राग अलापेंगे। नहीं नहीं, एक सेकंड अबे दुबे वो तो राग अलाप रहे हैं, वो तो राग अलापेंगे कि हमने चार साल में क्या करा। रिपोर्ट करते रहे अपनी, वो कह रहे आपको रिपोर्ट का नामंजूर करनी है, आप करिए, आपका राइट है सर आप। लेकिन अब तो जनता की अदालत में सब फैसले होंगे ना। ओके सभी तात्रा 30 सेकंड बचे टू अबे दुबे, ठीक है, एक एक करके बोलिए। ओवरलैपिंग में बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा अपनी डिबेट के अंदर, बाकी डिबेट में आप चिल्लाते होंगे, यहाँ वो नहीं चलेगा। 10 सेकंड और फिर 10 सेकंड में चुप कर जाइएगा, खुद ही 10 सेकंड बाद खुद ही चुप कर जाइएगा सर, प्लीज बोलिए। चार लोगों के इस देश में अच्छे दिन आए हैं, चोरी मुजोरी सीना जोरी और तिजोरी, चोरी करके जो देश का पैसा लूट कर भाग गए। ठीक है सर, व्हाट्सएप का जोक आपने पढ़ दिया, वेरी गुड सर, 10 सेकंड आपको मिल गए। अब मैं रुक करता हूँ समित पात्रा का। समित पात्रा चलिए इस व्हाट्सएप के जोक पर ही बता दीजिए, चोरी सीना जोरी और तिजोरी, चौथा मैं भूल गया, बताइए जवाब क्या है, अच्छे दिन उनके हैं, बताइए। आराम से आराम, इतना जोर चिल्लाइए मत, कान के पर्दे फट जाएंगे हमारे। देखिए अमीश भाई, अभी एक फ्रेज का इस्तेमाल हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने किया है जिस पर मुझे बहुत सर आराम से बोलिए, माइक लगा हुआ है, कृपया करिए मैं आपके बीच में नहीं बोला। चलिए ठीक है आप लोगों को बोलने, प्रचार के शोर मेरे भाई इतने मत चिल्लाओ सर, टॉन्सिल बाहर निकल के गिर जाएगा, आराम से बोलने दीजिए हमको थोड़ा सा, आपके समय नहीं बोला था मैंने। प्रचार ठीक है आप सुन लीजिए, पाखंड प्रचार ठीक है प्रतिशोध प्रपंच। अमीश भाई मैं बोल सकता हूँ, ये ड्रामा चलता रहेगा थोड़ी देर के लिए। देखिए अब आपने अपनी बात कह ली, आप 1.5-2 मिनट बोले, फिर आपने 10 सेकंड लिया, अब उनको 30 सेकंड बोलने दीजिए, अपना रिस्पॉन्स देने दीजिए, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं, असीम वकार घनश्याम तिवारी के सिन्हा इंतजार कर रहे हैं, 30 सेकंड संबित। देखिए अमीश भाई, आपका चैनल जो है हिंदुस्तान का बड़ा चैनल है, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, हम सब तो यहाँ पॉलिटिशियन बैठे हैं, के सिन्हा जी न्यूट्रल व्यक्ति बैठे हुए हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, और खास करके के सिन्हा जी से, मेरे बड़े हैं, मेरे बड़े भाई है वो। देखिए अभी एक फ्रेज इस्तेमाल किया कांग्रेस के प्रवक्ता ने, उन्होंने कहा कि दर दर की ठोकरे खाने निकल पड़े हैं अमित शाह, मैंने लिख लिया उसी समय, दर दर की ठोकरे खाते रहो, ये डेमोक्रेसी है साहब, गरीब की देहुड़ी तक जाना, साधारण व्यक्ति के देहुड़ी तक जाना, उसके घर में जाकर उसके साथ बैठ के बात करना, ये दर दर की ठोकरे खाना नहीं होता है, दिस इज वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। आपको लगता है कि आप विदेश, आप चिल्लाइए मत, आप बिल्कुल मत चिल्लाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच बिल्कुल नहीं बोला था, आप सुन लीजिए उसके बाद जरूर बोलिए। दिस इज नॉट गुड बिहेवियर, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू अभय जी, आप अच्छे आदमी है, आप सुनिए दूसरों को। देखिए दर दर की ठोकरे खाना, दर दर की ठोकरे खाना, ये बहुत गलत फ्रेज है डेमोक्रेसी में, दर दर की ठोकरे खाकर ही राजनीति होनी चाहिए। हवाई जहाज में बैठ के विदेश में जाकर एसी कमरों में बैठ के राजनीति करने का युग समाप्त हो गया है, इसको गांठ बांध लीजिए, ये नहीं चलेगा कि आप अमेरिका से जाके राजनीति करेंगे, आप वेकेशनल पॉलिटिक्स करेंगे, ऐसे नहीं होगा। मेरे अध्यक्ष को देखिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड में, दर और दर को सुन लीजिए, अंतर को समझ लीजिए आप पहले। अरे मेरे अभिनेता भाई, अब ये सब आप बाद में समझाइएगा, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अमीश भाई आप ये बताइए, आज सुबह में सुन रहा था अपने प्रधानमंत्री को, सुन लीजिए मैं कंप्लीट कर लूं, आज सुबह में सुन रहा था अपने प्रधानमंत्री को इंटरेक्ट करते हुए मुद्रा योजना में, जब वो डायरेक्टली गरीब से बात कर रहे थे, डेका, मुझे याद है आसाम के उस डेका भाई से बात कर रहे थे, किस प्रकार से 50,000 से लेके 5 लाख तक का राशि डेका भाई को मिला, और किस प्रकार रसगुल्ला वो अपने दुकान में बेचता है, जब बारीकी से खुद देश का प्रधानमंत्री ये पूछता है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है। कल उज्ज्वला के समय जब तमिलनाडु की हिंदी नहीं बोल पा रही थी, उसने कहा कि मैं डोसा बनाती हूं, तो प्रधानमंत्री ने कहा मैं तमिलनाडु आऊंगा तो डोसा खिलाओगी, आप और मैं ये समझ नहीं सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, मगर आप उस गरीब माँ के कुटिया में जाके पहुंचिए, जब डायरेक्टली ईवीएम की समस्या कर्नाटक में पोर्टफोलियो की समस्या सॉल्व होगी, कंसंट्रेट करेंगे।
पांच करोड़ परिवार ठीक है मजदूरी की बात जो रहे थे उन्होंने थोड़ा साइकिल को बोलने दीजिए ठीक है कच्चा तो मेरे हाथ वाले भाई थोड़ा साइकिल को तो बोलने दीजिए होल्ड ऑन होल्ड ऑन तो टिकट तो दे ही रहे हैं होल्ड ऑन सर होल्ड ऑन अच्छा कच्चा की वाली ऑप्शन नो वन देन 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 केके सिन्हा एंड असीम बकर ओके सर 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 अबे जी मैंने बोला था मेरी डिबेट में ओवरलैपिंग मत करिए मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मैं माफी के चाहते चाहता हूं कंचाम तिवारी थैंक यू सो मच आप अभी तक नहीं बोले अब आप बोलिए क्या ईवीएम का मसला सॉल्व हो गया है क्या कर्नाटक में वो मलाईदार मंत्रालय की समस्या भी सॉल्व हो गई है तो अब 2019 पे आप लोग कंसंट्रेट करेंगे हम 2019 पे क्यों कंसंट्रेट करेंगे जब 2018 बाकी है ये कैराना 2018 था कि 19 था प्रधानमंत्री बागपत में रैली करने के लिए गए थे जो किसान पांच दिन तक वहां भूखे रहे तो 2019 का काम चल रहा है किसान मर गया पांच दिन भूखे रह के मर गया इस देश में जहां पे अन्न अधिक उपज हो रहा है इसलिए नहीं मरा कि गन्ना खत्म हो गया था पर महाजन संपर्क कर रही है इसलिए गन्ना महागठबंधन के खिलाफ संपर्क महाजन संपर्क हो रहा है कौन सा जबीर सुहाग के पास जाया गया इस देश में फॉर्मर आर्मी चीफ के पास प्रधानमंत्री जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी प्रधानमंत्री कौन सा ऐप बनाया जिससे किसान जिस किसान ने अधिक प्रोडक्शन किया वो मर गया सोचिए भूख से नहीं मरा वो दुखद उसके पास अन्न नहीं खत्म हुआ था आपका एजेंडा क्या है एजेंडा ये है कि इस देश की जो मूलभूत जरूरतें हैं आप ऐप से बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री होकर के आप बागपत में रैली कर रहे हैं उस किसान को एड्रेस नहीं कर रहे हैं जिसका परिवार ये पूछ रहा है अधिक प्रोड्यूस करने के बाद भी मुझे मौत क्यों मिली आप कानून की धज्जियां उड़ाते हैं जो स्पिरिट है कोर्ट का आप उस रैली के ऊपर लगातार चार दिन से आप लोग बोल नहीं, रहे क्यों नहीं क्यों नहीं बोले आज तो नहीं गेम हो गई ना आज अखिलेश यादव ने बोला मैं 2019 का चुनाव लड़ूंगा है, और साथ ही साथ अब सूरत में कपड़ा नहीं बन रहा ईवीएम भी बन रही है तो ईवीएम के झमेले से बाहर निकले 2019 के लिए कि नहीं निकले ये बता दीजिए आप देश में 2018 में जब बच्चे मर रहे हैं किसान मर रहे हैं तो प्रधानमंत्री सिर्फ 2019 की रामायण रच रहे हैं असलियत क्या है आप इस देश जो चार साल ये संबित पात्रा जो है चैलेंज करता हूं अगले 10 दिन तक किसी भी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता शब्द है क्या नहीं, अच्छा शब्द है रामायण अच्छा अच्छा शब्द है नरेंद्र मोदी के अच्छा शब्द है अच्छा शब्द है अच्छा शब्द है खराब शब्द है क्या अच्छा शब्द है श्रीराम आपने रामराज कहा था उत्तर प्रदेश में ये रामराज है रामायण आपने बोला प्रधानमंत्री मोदी रामायण कर रहे हैं राजनीति मत कीजिए नहीं मैं राजनीति नहीं कर रहा मैं तो सवाल पूछ रहा हूं फेस वैल्यू में बोला प्रधानमंत्री रामायण कर रहे हैं आप मैं फेस वैल्यू पे अपनी बात रख रहा हूं जी जी देश में किसान अधिक प्रोड्यूस करके नहीं मर सकता जी, ठीक इस देश में बच्चा इस तरीके से ऑक्सीजन की कमी के चलते नहीं मर सकता सर ये बात इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की धंजिया नहीं उड़ा सकता ठीक है आपने तमाम बातें बोली नहीं हो सकती जो चार साल पहले कहे अच्छे चार साल खुशी हो रही है किसान मर गया किसको खुशी होगी इस बात की किसको खुशी होगी और आप भी बात मुझसे पूछ नहीं कैसे सकते खुशी होगी किसी को किसी के मरने की किसी के मरने की खुशी नहीं हो सकती इस देश के अंदर और हर सरकार को जवाब देना पड़ेगा चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो चाहे वो योगी आदित्यनाथ की सरकार हो दोनों को जवाब देना पड़ेगा जहां तक आपने रामायण की बात करी जवाब ले लेते रामायण का जवाब ले लेते ओके समित पात्रा यो टेक या किसान दलित प्रकार से किसान दलित मजदूर सबकी बात हो रही है अच्छा खड़े थे हो गया उनकी पुलिस ने लाठी चलाई उन्होंने कहा हम राम राज लाएंगे मैं आपके बीच में एक सेकंड नहीं बोला आप बहुत बोले देखिए पहली बार बिल्कुल बोले कांग्रेस से अभय दुबे 40 सेकंड में क्यों अभय दुबे जी ने भी प्रश्न उठाया और घनश्याम जी ने भी पूछा कि एम एस स्वामीनाथन जी से पूछिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप तो बड़े चैनल हैं आपके पास तो आर्काइव्स में होगा जिस दिन 2018 का बजट आया उसके ठीक शाम को एम एस स्वामीनाथन जी ने क्या ट्वीट किया आप उनका ट्वीट निकालिए एम एस स्वामीनाथन जी ने कहा कि जो मेरा स्वप्न था वो पूरा हुआ बेटर लेट देन नेवर जो मैंने किसान के सोचा था वो पूरा झूठ को इतना मत बेचिए लोगों को भारी पड़ जाए मत मुझे बोलने दीजिए चार साल से किसी तरीके से झूठ बोल रहे हैं दूसरी बात घनश्याम भाई आप पढ़े लिखे नौजवान हैं और चिल्लाना ठीक नहीं है झूठ मत बोलिए आप देखिए किसान मरा है उसके बारे में उसका नाम उदयवीर था आप सवाल कर रहे हैं आप रुक जाइए मैं आपके ऊपर चिल्लाना नहीं चाहता हूं मैं किसान पे ही बोलता हूं मैं ऑब्जेक्टिवली किसान मैं 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 सब सब फिलहाल में सब देखिए मुझे रुकना पड़ेगा एक ब्रेक के लिए लेकिन मुझे के सिन्हा आपके पास जाना पड़ेगा आना पड़ेगा और मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा और असीम बकर आपके पास भी आऊंगा एक छोटे से अंतराल के बाद मैं आर पार में वापस आ रहा हूं वेलकम बैक और इस दौर में मैं सीधा जाना चाहता हूं मेरे साथ अभय दुबे संबित पात्रा घनश्याम तिवारी
सैयद असीम बकार और के सिन्हा में, असीम बकार और के सिन्हा आपके पास नहीं आया, इस दौर में आपके पास आता हूँ। असीम बकार साहब और के सिन्हा साहब, आप दोनों एक सवाल को सुन, खासतौर पर आप के सिन्हा, आपको लग रहा होगा इस पॉलिटिकल डिबेट में आपका क्या काम। मेरा सवाल यह है कि दलवीर सुहाग के घर पर अमित शाह जो गए महाजनसंपर्क में, उसके मायने क्या है और वो क्यों गए, आपको क्या लगता है बतौर फौजी? अमित जी, आपके डिबेट में मैं दो हैसियत से बैठा हूँ, एक जागरूक नागरिक जो कि 30-40 साल तक बड़े बारीकी से राजनीति के बारे में देखता रहा है भले ही पार्टिसिपेट नहीं किया, और दूसरा एक फौजी जो कि एब्सोल्युटली नेशनल के ऊपर में हर क्षण जान देने की तैयार है। तो मुझे ख्याल है कि जितने भी पैनल में लोग बैठे हैं मुझे शायद सुने और थोड़ा सा वक्त देंगे। मैं पहली बात आपकी बात में मैं सेकंड उत्तर दूंगा। पहली बात, एक जागरूक नागरिक की तरफ से मैं जो देखता हूँ, जो ये महासंपर्क है, मेरे ख्याल से ये एक इतना बड़ा स्टेप है। क्या होता था पहले, लोग मैनिफेस्टो लगाए, जीते और फिर जब इलेक्शन आता था उस समय फिर मैनिफेस्टो लेकर डोर डोर जाते थे। मेरे ख्याल से एक साल पहले ये एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चेंज है, और कांग्रेस कह रही है दर बदर की टोकरे खाना। मैं उनको मैं डिबेट में नहीं पढ़ूंगा, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, अच्छा दलवीर सुहाग को चुनना, पूर्व सेना अध्यक्ष को चुनना, उसके क्या मायने, 25 सेकंड में ये बता दीजिए। अच्छा, मैं ये बताता हूँ, ये आप ये समझिए कि आज के दिन में क्यों कर्नाटक, इसका सवाल का मैं काउंटर सवाल करता हूँ, कर्नाटक में थिमैया और करियप्पा क्यों आए, एक उठा था डिबेट जी, और क्यों आए आपको मैं क्या बीजेपी नेशनलिज्म पे चुनाव को लेके जाना चाहती है? नेशनलिज्म तो है ही है। 14 में रेवाड़ी में एक ये हुआ था सबसे बड़ा एक सर्विसमैन रैली जी, जब आपको पता होगा बिल्कुल हुआ था, ये हुआ था सितंबर 15 तारीख को 2015 में, 2013 में, 2015 जी, सॉरी 13 और उसमें प्रधानमंत्री जो हैं अभी के वो भी उन्होंने एड्रेस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने पहली बार जी ये रियलाइज किया था कि ये जो है ये जो कुंभ है, जो ये कुंभा है हमारा एक सर्विस में, कितना स्ट्रांग है, ठीक है, कितना एक सेकंड और जी जी जी। देखिए मैं आपको बताता हूँ स्टैटिस्टिक, ये लोग यदि समझेंगे तब, हमारी एक सर्विसमैन वेटरन 24 लाख लोग हैं, सर्विंग तर्विक 13 से 15 लाख लोग हैं, केवल ये उनके परिवार से जुड़ने वाले और लोग, ये इतने बड़ा कुंभ है, पंजाब हरियाणा उत्तराखंड यूपी, पॉइंट आपकी बात, हमारी ये तो आप कह रहे हैं पॉलिटिकल मैसेज है और पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी पॉलिटिकल मैसेज दे रही है। मैं सीधा असीम अखर आपके पास आता हूं और दो टूक सवाल पूछता हूं, बीजेपी का महाजनसंपर्क महागठबंधन की काट है, एक तरफ हम सत्ता की लड़ाई देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम सत्ता के लिए जोर आजमाइश देख रहे हैं, असीम बकार सर आप या बाकी लोग देख सकते हैं सत्ता की तरफ, लेकिन हम जैसे छोटे लोग तो देश की तरफ देखते हैं और देश की आवाम की तरफ देखते हैं। अमित शाह जी इसी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त किसी के घर मिलने जा सकते हैं, लेकिन अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो ईमानदारी से उनको सबसे पहले हेमराज के घर जाना चाहिए था कि जिसकी शहादत के बाद चिल्ला चिल्ला कर बीजेपी ने कहा था कि हम 10 सर लेके आएंगे, और उसका परिवार आज भी अपने बेटे के कातिलों को देखना चाहता है कि उनके सर रखे हुए हों। और सबसे पहले अमित शाह साहब को उन किसानों के घर जाना चाहिए था जिनके लिए आज से 4.5 साल पहले वादा किया था कि हम आपको आपकी फसल का मूल्य दिलाएंगे और किसी किसान को आत्महत्या नहीं करना पड़ेगी, एक सपनों का भारत जिनको दिखाया था, सबसे पहले उनके घर जाना चाहिए था। और अमित शाह साहब को सबसे पहले उन लोगों के पास जाना चाहिए था जिन्होंने इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वोट दिया था और जिनको इन्होंने सपना दिखाया था कि अब हिंदुस्तान भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, कहीं काला धन नहीं होगा, कहीं बेईमानी नहीं होगी, कहीं चोरी नहीं होगी, कहीं रिश्वत के पैसे नहीं दिए जा रहे होंगे। उन ईमानदार लोगों के घर जाकर ये बताना चाहिए था कि आप ये सब कुछ नहीं कर पाए, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आप कुछ नहीं रोक पाए और उल्टा भ्रष्टाचार बढ़ा दिया आपने, पाकिस्तान की दावतें खाई आपने, और आपके राज्य में जितने ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है आजादी से लेकर आज तक कहीं किसी किसान ने इतनी हत्या नहीं की। समझ पात्र जवाब, ठीक है समझ पात्र जवाब।
देखिए किसानों के बारे में सब कुछ बोला गया है और बोलना भी चाहिए, और मैं अभी स्वामीनाथन जी के बारे में बोल रहा था, मुझे कंटेस्ट किया जा रहा था, इसलिए मैं एएनआई का ट्वीट निकाल के पाकिस्तान के सर पे बोल दीजिए। फरवरी 2, 2018 क्या बोलते हैं एमएस स्वामीनाथन, आई एम हैप्पी दैट आफ्टर ओवर 10 ईयर्स वी रिकमेंडेड दिस फॉर्मूला, द गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड इट, बेटर लेट देन नेवर, फार्मर्स विल बी हैप्पियर। ये एमएस स्वामीनाथन जी ने खुद कहा है। आप देखिए कर्नाटक के चुनाव में 74 ऐसी सीट है जो कृषि सघन क्षेत्र है, अर्थात फार्मर्स क्राइसिस वाली सीट है। 74 में से 34 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। कर्नाटक के अंदर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रिजर्व सीट है उसमें से अधिकांश सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। और चुनाव में अगर हमने कुछ किया नहीं तो ना तो हमें दलित वोट देता और ना किसान वोट देता। दूसरी बात है केराना का रिजल्ट आने दीजिए। तीसरी बड़ी बात, इन्होंने कहा अभी AIAIM के प्रवक्ता कह रहे थे कि हेमराज के घर जाना चाहिए, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं, उनके घर भी हम जाएंगे, हम संपर्क करेंगे और जरूर उनसे मिलकर आए। जी जी, मैं याद दिलाऊं कि इनके जो असाउद्दीन ओवैसी है ये तो आईएसआईएस के समर्थक के घर गए थे चंद दिनों पहले, ये कहने कि आपको गलती से पुलिस अरेस्ट करती है हम आपको लीगल एड देंगे। आप मुझे बताइए हम आईएसआईएस के समर्थकों के घर जाएं या आर्मी चीफ के घर जाएं? आप बताइए कांग्रेस के लिए और एमआईएम के लिए आईएसआईएस के समर्थक इतने बड़े हैं, हमारे लिए सेना अध्यक्ष बड़ा है, हमारे लिए सेना का अध्यक्ष बड़ा है। अरे आप तो लीगल एड देने गए थे ना, संबित पात्रा है ने, आप बता दीजिए आप लीगल एड देने गए थे कि नहीं घर पे, आप आईएसआईएस के घर पे लीगल एड देने गए थे या नहीं? हां या ना सुन लीजिए, अब नहीं पहले ये हां या ना में तो जवाब दे, गए थे कि नहीं गए थे? पहले जवाब तो सुन लीजिए, बोलिए जवाब तो सुन लीजिए। ये संबित पात्रा जी हैं, जब ये दवा नहीं खाते हैं जिस दिन तो उस दिन ये ऑल फॉल बकने लगते हैं। ये कई बार चैनल्स पर मुझको आईएसआई के एजेंट बता चुके हैं, पाकिस्तान का नागरिक बता चुके हैं। ये आप इनकी थोड़ी आईएसआई के एजेंट बता रहे हैं भैया, आईएसआईएस को लीगल एड आपने दिया था या नहीं, हां या ना बताइए। तो कभी भी किसी को कुछ भी बता, मैं इनको आईएसआईएस बोल रहा हूं क्या ये समझ नहीं पा रहे? बैरिस्टर ओवैसी ने क्या किया था बताइए, जो लड़के हैदराबाद में पकड़े गए थे सर, जिनका आईएसआईएस से लिंक निकला था, उनको लीगल सपोर्ट दी थी नहीं दी थी बताइए ना, सच क्या है? लीगल सपोर्ट देने के लिए उनके घर गए थे पॉलिटिक्स, बाद में पुलिस ने सुनिए बाद में पुलिस ने उनको छोड़ दिया ना, ना और ये कहा चार लोग अभी भी जेल में हैं, 9 लोगों में से 4 अभी भी जेल में हैं। आप उनके घर गए थे पैसे लेकर उनकी मदद करने के लिए, छोड़े गए हैं हम तो आर्मी के चीफ के घर जा रहे हैं, आप आईएसआईएस के घर गए थे, लोगों के बारे में कहा था कि ये नाजायज फंसाए जा रहे हैं, 9 लोगों के घर गए थे यही सामने है, जेल में है और पैसे देकर आए थे उनके खिलाफ, कोई आतंकवादी का समर्थन करिए, हम जो है देश के आर्मी के चीफ का समर्थन करते हैं। ओके ओके ओके, अबे दुबे कुछ क्या बता रहे हैं, अबे दुबे बताइए, आप नाथूराम गोडसे का समर्थन करते हैं, आप नाथूराम गोडसे का समर्थन, अरे छोड़िए ना नाथूराम गोडसे, अब तो प्रमुख गति भी जा रहे हैं आरएसएस के यहां पर, छोड़िए नाथूराम गोडसे, अब खत्म हो गई ये डिबेट, रुकिए नाथूराम गोडसे पे आके अटक जाते हैं हर वक्त, अमीश जी कातिल थे नाथूराम गोडसे। ओके अबे दुबे बुनियादी विषय पर रहना चाहिए, हाँ बुनियादी विषय क्या है सर, देखिए क्या कह चाचा चौधरी भी बुनियादी विषय है क्या? संबित पात्रा जी ने स्वामीनाथन को बताया, नहीं नहीं चाचा चौधरी भी बुनियादी विषय है क्या? स्वामीनाथन महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी के नाम पर चाचा चौधरी की कांग्रेस क्या निकली, आपको चाचा नेहरू याद आ गए? महाराष्ट्र में आपके सहयोगी एनसीपी कह रही है कि चाचा चौधरी के जरिए नरेंद्र मोदी चाचा नेहरू बनना चाहते हैं। सुन लिए, चाचा नेहरू याद किए जाते थे आजादी की क्रांति के लिए, इंदिरा जी याद की जाती थी हरित क्रांति के लिए, राजीव जी याद किए जाते थे सूचना क्रांति के लिए, मनमोहन सिंह जी याद किए जाते हैं औद्योगिक क्रांति के लिए, मोदी सरकार याद की जाएगी झूठ और जुमले की क्रांति के जनक के रूप में। क्या कहते हैं स्वामीनाथन जी? स्वामीनाथन जी ये कहते हैं कि क्लियरिटी कीजिए, स्वामीनाथन कॉल्स फॉर क्लियरिटी ऑन एमएसपी, ये पिछले महीने उन्होंने पूछा है। मुझे एक फसल बताइए पात्रा जी, मूंग की लागत स्वामीनाथन के हिसाब से 5,700 ज्वार की है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, मैं संबित पात्रा आपका सीधा रुख करता हूं क्योंकि ब्रेक से पहले
बहुत कुछ बोला अभय दुबे ने। अभय दुबे ने बोला पंडित नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक बहुत कुछ किया है और आपने सिर्फ एक ही काम किया है, प्रपंच का और प्रोपेगेंडा का। देखिए, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी ने जो किया उसका फल कांग्रेस पार्टी को इतने वर्षों तक मिलती रही। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में जीना पड़ेगा। और मैंने पहले भी कहा था, एक परिवार की बपौती नहीं है ये देश। आज जो आपने क्या किया ये बता दूं मैं आपको, संबित पात्रा जी बताइए, वनों का अधिकार दे दिया क्या? राहुल गांधी जी ने इस देश अच्छा, के 125 करोड़ लोगों दे दिया? को सूचना मतलब का अधिकार दे दिया राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं इस अच्छा, देश अच्छा। चलिए, राहुल गांधी जी ने ब्रह्मांड बना दिया, आप तो बोलने दीजिए। सूरज चांद भी राहुल गांधी जी बिल्कुल 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 आपने चार भैया, ये तो नॉन स्टॉप ये कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे बौखला के बोलने लगते हैं, नॉन स्टॉप ऐसे बौखला के बोलने लगते हैं। मैं आपके बीच में बोलता हूँ क्या, कभी भी सब करेंगे। अबे दुबे, आखिरी दौर है, मुझे लगता है 30 सेकंड दे देने चाहिए, फिर मैं 40 सेकंड आपको दूंगा। ओके ओके, संबित क्विकली मेक योर पॉइंट। देखिए, क्या आप महागठबंधन से घबराए हुए हैं इसलिए महासंपर्क हो रहा है? महागठबंधन से बीजेपी घबराई हुई है इसलिए महासंपर्क हो रहा है? देखिए, महागठबंधन से घबराना किसको चाहिए, मैं आपको आज डिलीवर करता हूं। देखिए, जनाजे के सामने कभी आपने किसी को नाचते हुए नहीं देखा होगा, कांग्रेस पार्टी अपने ही जनाजे के सामने नाच रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को ये कितना सीट देंगे समाजवादी पार्टी और बसपा? तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी को कितना सीट दे देंगे? कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट देगी जेडीएस? आप बताइए, शुरू करने के लिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कितना सीट दे देगी? खुद का जनाजा निकला पड़ा है और ये जनाजे के सामने ताता तैया नाच रहे हैं। बहुत कुछ इनको मिल गया। 30 से 40 सेकंड में जवाब। कैराना में लड़े थे क्या ये? ठीक है, हो गया हो गया। सब आपका टाइम हो गया, सब आप गोरखपुर में ना गोरखपुर में है ना कैराना में है और आप चिल्ला रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। आप काहे को जीत रहे हैं भैया? आप तो चुनाव ही लड़ रहे हो, कहां से चुनाव लड़ रहे हो बताओ? सरकार गठबंधन का पाठ पढ़ाने चली है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और मोदी सरकार ने नाता जोड़ा। 47 दल है, भानुमति की बात ये कर रहे हैं, सीटें भी जीतते हैं, वहां भी सत्ता हथिया लेते। बताइए तो, देश ये तो परसों बोल रहे थे कि हमारे पास अच्छा, कोई आपकी तैयारी क्या है 2019 को लेकर? राहुल गांधी की तैयारी क्या है? हमारे पास कोई नहीं है, हम बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं उनको किसान क्या बिचारा पड़ रहा है? एक सेकंड रुकिए, नहीं आप अपनी तैयारी बताइए ना। मोदी सरकार, आप लोग तो सब सलाह दे रहे हैं कि अमित शाह को इन इन जगह पे भी जाना चाहिए। अमित भाई ये तो किसान क्या रहा है, आज कह रहे हैं राहुल गांधी कहां का जा रहे हैं, अखिलेश यादव कहां का जा रहे हैं, बताइए ना। आपसे पहले नीति करना कि हमसे अच्छा जब बताने का मौका नहीं पाया पार्टी का, जब बताने का मौका था बता नहीं पाया। ओके, अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि हमसे अच्छा एक्सप्रेसवे आपने बनाया हो इतने समय में तो दिखा दीजिए, हमसे अच्छी मेट्रो बनाई हो किसी जगह भी बनाई हो तो दिखा दीजिए। आप लोग सलाह तो दे रहे हैं ना, अमित शाह को यहाँ जाना चाहिए। हम कोई सलाह नहीं दे रहे, मजदूर क्या जाना चाहिए? मैंने कोई सलाह नहीं, किसान मर गया उसके जाना चाहिए सरकार? आप लोग तो सलाह दे रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने तो आपके बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। बताइए जवाब क्या है? गन्ना बनाम जिन्ना, हमने गन्ना बनाम जिन्ना शुरू किया, हमने एक्सप्रेसवे पे सवाल उठाया, प्रधानमंत्री 9 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना करके रोड शो कर रहे हैं, हमने 302 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाया, हम उसे दिखाएंगे, हम कहेंगे कि आपने इससे अच्छी मेट्रो बनाई। पूरा उत्तर प्रदेश चौपट राज से अजय सिंह बिष्ट जी के चौपट राज को झेल रहा है, उखाड़ने के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश के हर गांव में जाएंगे। देखिए अमीश जी, जो वस्तुस्थिति है, जो जमीन के ऊपर कार्रवाई है, वो तो सब देख रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ये बड़े देश के लिए बहुत अच्छी बात हुई है कि जय किसान जय जवान और जय किसान जो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा लगाया था वो फिर से सेंटर स्टेज मर रहा है। किसान और देख जवान भी मर रहा है। मैं उन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं उन चीजों में नहीं पढ़ना, सुन ले मेरी बात को। और ये बहुत अच्छी चीज है कि एक साल पहले इलेक्शन के पहले एक असीम वकार कर रहे हैं। सर आपने मेरी बात करी, असीम वकार 20 सेकंड में क्यों पॉइंट? असीम वकार साहब, अबे दुबे, आपके बीच में कोई नहीं बोला था, यू मेड योर पॉइंट। असीम वकार में क्यों पॉइंट? सर अभय दुबे साहब को थोड़ा चुप करा लीजिए। अभय दुबे जी, देखिए संबित पात्रा ने भी कहा कि किताब छापने में क्या दिक्कत है, लेकिन किताब मोदी जी की मर्जी से छपी है या उनकी मर्जी से नहीं छपी है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर उस किताब में ये लिखा हुआ है कि भाइयों और बहनों,
जब मैं छोटा था तो मैं भी साबू था, ठीक है, और आज मैं बड़ा हो गया और लोगों ने तो लंबे लंबे एक्सप्रेसवे बनाए और मैंने 9 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाकर अच्छा, आपकी आगे तो बोर्ड लगा दिया 9 किलोमीटर के बाद। उन्होंने कॉमिक भी छाप दी, उन्होंने सब कुछ कर दिया, अपनी तैयारी नहीं बता रहे, उनको सलाह दे रहे हैं कि ये भी कर लेना चाहिए, उनकी मदद कर रहे हैं क्या? फिलहाल आर पार में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। छोटा सा कंक्लूजन यही है, निष्कर्ष यही है, अभी 2019 में बहुत वक्त है, सबकी प्लानिंग अभी बाकी है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।